आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन मैत्री। तो मैत्री मतलब फ्रेंडशिप। तो इस लेसन में क्या है, ऐसा रीडिंग के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पिक्चर दिए। तो आपको पिक्चर रीडिंग करनी है, आपको पिक्चर को देखना है, जो इसमें फोटो दिखाई है उसको देखना है, उसको समझना है और उसको आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप उस स्टोरी को बोलो। है लेकिन कुछ ना कुछ बोलते ना, ऐसा लगता है कि मिसिंग है, कोई एक बार बता दे तो फिर मैं उसको अपने तरीके से और अच्छे से बोल सकता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से अच्छा बोलूंगी, आप लोग उसको और अच्छा करके अपने घर पे बोलेंगे, अपने मम्मी पापा जो भी आपको है उनको सुनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक के थ्रू भी दिखाती हूँ। अब देखो इसमें कितनी दिखाई है, 4 फोटोज है ना, 1, 2, 3 और 4, और फोर्थ में ब्लैंक कर दिए। तो मैं पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताती हूँ, फोर्थ भी मैं बता दूंगी। लेकिन क्या है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग नहीं करी है। ठीक है, तो आप लोग ड्राइंग करना कोशिश करना, पहले रफ में करना फिर टेक्स्ट बुक में बनाना। अब देखो मैत्री इसमें क्या दिख रहा है, एक लड़का दिख रहा है और दूर से एलिफेंट दिख रहा है और यहाँ पे एक ट्री है, उसमें कौन सा फ्रूट लगा है, एप्पल दिख रहा है मेरे को तो ये। ठीक है, एप्पल दिख रहा है और ऐसे ये लगा दिया है। और सेकेंड वाले में आप देखो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एलिफेंट है, वो थोड़ा उसके पास में आ गया है। ठीक है, अब देखो ये पिक्चर रीडिंग है, वीडियो तो है नहीं है, कैसे साथ में चलते हुए दिखाएंगे, एक एक टाइम लैप्स के मिस बोलते हैं, थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा वो बताया। तो इतने में एलिफेंट आगे आ गया और ये बच्चा क्या हो गया, एलिफेंट को देख के डर गया। होता ही है ना बेटा, किसी भी चीज़ को देखते हैं जो पहले पहले इवन बोलते हैं ना, जिनके घर में पैट्स भी नहीं है, मीन कुत्ता बिल्ली जो नहीं पालते हैं, है ना, उनके पास से भी जाते हैं तो भी डर जाते हैं, है ना। और ये तो हाथी की बात है, तो हाथी से तो वैसे भी डर लगी गई ना, तो ये बेचारा क्या हो गया, डर गया। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आप देखो ये दिखा रहा है कि उस लड़के के दिमाग में कुछ तो दिमाग चला होगा, इतना बुद्धिमान है ना। अब उसके दिमाग में क्या आइडिया आया होगा कि उसने क्या किया, वहां से ट्री के पास था तो उसने एप्पल तोड़ा और क्या किया, इस एलिफेंट को, हाथी को खाने के लिए दे दिया, है ना। तो इन्हें उसके दिमाग में क्या बात आई होगी कि अरे बापरे अब तो क्या हो सकता है, लेकिन उसने दिमाग लगाया कि ऐसा करता हूँ, ये एलिफेंट ने सूंड अपनी ऊपर करी है, इसको मैं खाने के लिए दे देता हूँ, हो सकता है इसको भूख लगी। ऐसा हम क्यों सोचे कि जानवर है तो ये गलत ही होगा, ये हमें मारेगा ही, है ना। उसने अपना बोलते ना ब्रेन पावर यूज किया, दिमाग लगाया, उसके आजू बाजू फ्रूट थे, उसने उसको खाने के लिए दे दिया। यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है, खाने के लिए दे दिया। अब क्या हुआ होगा फोर्थ में, आपको बताना है क्या हुआ होगा, बताओ। यहाँ तो वो उसको देख के डर गया था, यहाँ दिया तो देखो एलिफेंट भी ऐसे दिखा रहा है, हाँ वो खा के खुश हो गया। ठीक है, बराबर, यानी तीन चीज होगी। तो फोर्थ में क्या पिक्चर होगी बताओ आपके हिसाब से, ये हो सकता है कि ये क्या होगा, एलिफेंट यहाँ होगा और ये बच्चा उसके ऊपर बैठा होगा, दोनों की मैत्री होगी, क्योंकि हमें टाइटल भी पकड़ना है। ऐसा नहीं कि वो हो सकता है, ये भी चीज हो सकती थी कि वो खाता और चला जाता, जैसे बच्चा अपने आप ऊपर चढ़ा अपने आप नीचे उतर जाता, ऐसे भी हो सकता। लेकिन मैत्री है ना, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, यानी फ्रेंडशिप है, यानी उसने उसको खाने के लिए दिया, पहले वो डर रहा था, अरे बापरे कैसा होगा, जब हम भी किससे फ्रेंडशिप करते तो डर लगता है ना, पता नहीं ये कैसा होगा, मेरे जैसा होगा नहीं होगा, ऐसे सोचते ना। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे टाइटल भी पकड़ना है हमको, तो इसलिए टाइटल के हिसाब से उसने उसको खाने के लिए दिया, यानी उसको अच्छा करिए उसके लिए, है ना। और ये भी क्या करेगा, जब वो उसके ऊपर चढ़ा है ना, जानवर है लेकिन दिमाग तो होता है, बोल ही तो नहीं सकता ना, है ना, बोलते ना इंसान से ज्यादा वफादार जानवर होता है ना। ऐसे इसने क्या किया, ये बच्चा इसके नीचे उतरा, इसके पीठ पे बैठ गया, बोलते ना हाथी पे भी लोग सवारी करते हैं, तो ये बच्चा हाथी के ऊपर बैठ के अच्छे से सवारी करने लग गया। ये हो गया मैत्री, इन दोनों में क्या हो गई, मैत्री। लेकिन इस चीज़ से आपको एक चीज़ और याद रखनी बेटा, कि यहाँ आपने लेसन पढ़ लिया और ऐसी पहली बात तो आप लोग के पेरेंट्स आपको ऐसे जंगल विंगल में आप जाएंगे नहीं, लेकिन बताया आपको कि जानवर से भी आदमी की दोस्ती हो सकती है। लेकिन अगर आप छोटे से भी एनिमल से या किसी से इंसेक्ट से भी डरते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो आप ये मत कोशिश करना कि चलो उसमें एलिफेंट दिखाया तो इसमें तो स्नेक दिखाया, तो चलो मैं इसको दूध देने जाता हूँ, स्नेक दूध पीता है, तो कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें बोलते ना घर जाती हैं, तो ऐसा कुछ मत करना, हल्ला करना, आसपास के जो लोग हो उनको बुलाना और अपनी लाइफ को सेव करना। हो सकता है कि कहीं कहीं मैत्री भी हो जाती है, लेकिन हर आदमी मोगली नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। ये बच्चा किसकी तरह हुआ, मोगली, मोगली पता है ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है ना, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला। तो उसमें कैसा दिखाया था कि वो लड़के को मतलब जानवरों से इतना प्यार था कि उसके सारे दोस्त थे, है ना। अगर आपको इस तरीके की आपकी नेचर नहीं है तो अपनी लाइफ को पहले सेव करना, लेकिन किसी एनिमल को हर्ट नहीं करना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।